वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को क्षेत्रवासियों का जमकर समर्थन मिल रहा है। बता दें, पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के पक्ष में प्रचार करने से चुनाव का समीकरण ही बदल गया है। वैशाली नगर विधानसभा में अब कांटे की टक्कर साफ नजर आ रही है। बता दें कि पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के विधानसभा वैशाली नगर के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के पक्ष में प्रचार करने से एक समीकरण ही बदल कर रख दिया है। बताना चाहेंगे कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहा है, जिसमें वे मुकेश चंद्राकर कौन है इसकी वास्तविकता लोगों को बताते नजर आ रहे हैं। ट्रेन से उत्तीर्ण नहीं हो पाते तो उनको मोक्ष नहीं मिल रहा है स्वर्ग में, तो मैं उस ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए नामांकन वापस। आपको मुकेश को जानना पड़ेगा, मुकेश कौन है। आपको भूपेश को जानना पड़ेगा, भूपेश कौन है। 1885 में जमशेद जी टाटा इस्पात का कारखाना बने, इसके लिए राजरा आया, दिल्ली राजरा। और जमशेद जी टाटा दिल्ली राजरा इसलिए आए कि खनिज है दिल्ली राजरा में, लेकिन टाटा ने देखा कि खनिज तो है लेकिन पानी यहां उपलब्ध नहीं है, तो जमशेदपुर की तरफ आगे बढ़ गए और जमशेदपुर में उनने इस्पात का कारखाना खोला। और इस्पात का कारखाना 1904 में जमशेदपुर में चालू हो गया, उसका उत्पादन होने लगा। देश जब आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक क्रांति को लेकर सपना देखा और 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने यह तय किया कि इस्पात का कारखाना भिलाई में खुलेगा। और तय किया तो जवाहरलाल नेहरू ने यह महसूस किया कि इस कारखाना को खोलने के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन सरकार की नहीं है। तो 1945 में मुकेश चंद्राकर के परिवार के पुरखे चंदूलाल चंद्राकर शादी के मंडप से शादी छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं कांग्रेस से जुड़कर काम करने के लिए, और वहां पे वो बिरला के परिवार से जुड़ जाते हैं, तो उनका जवाहरलाल नेहरू से संबंध हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू उनको बुलाते हैं और बोलते हैं, चंदूलाल जी, आपके छत्तीसगढ़ में जो पहले सीपी बरार स्टेट हुआ करता था, छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा था, इस्पात का कारखाना खोलना है, राजरा में एस्क है और गंगरेल में पानी उपलब्ध हो गया, गंगरेल का बांध बना लिए है। गंगरेल का बांध बनाने में जिस तरीके से आप लोग, आपके रिश्तेदार लोग जमीन दिए, वैसे अगर जमीन आप दे दोगे तो इस्पात का कारखाना खुल जाएगा। गौरतलब है कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा के प्रचार से कार्यकर्ताओं में जहां जोश भर कर रखा है, वहीं चुनाव का समीकरण ही बदल दिया है और अब अधिक से अधिक लोगों का समर्थन मुकेश चंद्राकर को मिलने भी लगा है। लोगों ने मुकेश चंद्राकर को जमकर समर्थन देना शुरू किया है और अपना लोकल प्रत्याशी मान लिया है। बता दें, पूर्व में जो समीकरण देखा जा रहा था, अब वह वशिष्ठ के भाषण के बाद ये समीकरण बिल्कुल ही बदल गया है। बहरहाल वैशाली नगर विधानसभा सीट सदा से चर्चाओं में रही है, वहीं अब अपने बीच लोकल प्रत्याशी देखकर लोगों में कौतूहल बना हुआ है। देखना होगा बदला हुआ समीकरण कैसा रंग लाता है, क्योंकि प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को लोगों का समर्थन जमकर मिल रहा है और निश्चित ही वैशाली नगर की ये फिजा ही बदल कर रख देगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ग्रैंड एसी न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।